अब जैसे 100 सुनार की होती है, वैसे ही एक लोहार की होती है। अब आप लोगों में से कोई कहेगा कि यार बिलाल भाई की कॉपी, बिलाल भाई की कॉपी। अब यार हमारे इरफान भाई पता है क्या कहते हैं? इरफान भाई ये कहते हैं कि कॉपी करो लेकिन कुछ सीखने के लिए। अब फिर भी यार हम तो एक न्यू यूट्यूबर हैं, आप लोगों को भी पता है, तो थोड़ी बहुत तो कॉपी अब बनती है, आप लोगों को भी पता होगा। और अगर हम लोग बात करें तो यार अभी हम सैमसंग की बात करने वाले हैं, और बिलाल भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यार एक प्यारा सा कमेंट कर दो, बस ये बता दो कि भाई के कंटेंट में दम है या नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो यारो कैसे हो? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की एम सीरीज़ के बारे में। अब जो आप लोगों ने पीछे देखा वो भी 100 सुनार की एक लोहार की होती है। भाई सैमसंग ने सबको परेशान कर दिया और सारी कंपनीज को ही ला दिया मिड रेंज में। अब अगर हम लोग देखें ना यार, सैमसंग फ्लैगशिप में बहुत अच्छा काम करता है, नोट सीरीज़, एस सीरीज़ ज़बरदस्त है, लेकिन मिड रेंज में सैमसंग ने 2018 में अपना बहुत नाम गिराया है, बनाया नहीं है, गिराया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सैमसंग की एम सीरीज़ में क्या खास होने वाला है। मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने वाला हूँ, और यार इसमें क्या क्या खास होगा वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो सैमसंग की एम सीरीज़ के बारे में और कब तक ये पाकिस्तान में आ जाएगी, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप लोग वैसे भी एंड तक जरूर देखोगे, मेरे को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दें, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर ही दिया होगा, और अगर अभी भी नहीं किया तो कर दें यार, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यार अगर हम लोग बात करें सैमसंग की, अब यार सैमसंग ने सबको हिला दिया है भाई, जितनी भी कंपनीज है वो भी परेशान हुई हुई है। और अगर आप लोग देखो ना यार, सैमसंग ने लिटरली 2018 में अपना बहुत नाम गिराया है मिड रेंज में और बजट में भी, लेकिन सैमसंग के फिर भी स्मार्टफोन बिक रहे थे जब भी बिके हैं। क्यों बिके हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि यार हम तो हैं सैमसंग के फ़ैन, आप लोग मतलब सैमसंग के फ़ैन हो अगर आप लोग, तो यार पहले मैं रिकमेंड कभी नहीं करता था कि बजट में या मिड रेंज में आप लोग सैमसंग के मोबाइल लो, लेकिन अब मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि सैमसंग ने यार अब वाकई में बहुत दमदार काम कर रहा है अब। क्योंकि सैमसंग की जो एम सीरीज़ है ना, सैमसंग ने ऐसा सोचा है कि यार जितने भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो लोग हर चीज़ में फोकस करते थे, भले वो डिस्प्ले हो या कैमरा हो या मतलब ओवरऑल हर चीज़ में, बैटरी में भी फोकस करते थे, हर चीज़ में एक नॉर्मल यूज़र या हाई यूज़र के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन सैमसंग ये नहीं देखता था, सैमसंग बस ये कर रहा होता था कि थोड़े बहुत कैमरे में इंप्रूवमेंट कर दिए और बिल्कुल मतलब डिज़ाइन सेम ही होता था, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते थे। लेकिन अब सैमसंग की जो एम सीरीज़ है ना, इसने यार सैमसंग को बिल्कुल मतलब बदल दिया है। सैमसंग ने ये वैसे तो इंडियन पीपल के लिए बनाया है, इंडिया वालों के लिए मतलब टारगेट करा है इंडिया के मतलब मार्केट को, और वाकई में अगर हम लोग देखें ना तो यार इंडिया की मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, और यार अब बढ़ता ही जाएगा और यहाँ पर भी बढ़ेगा, लेकिन इंडिया वालों को टारगेट करने के लिए बनाया। और सैमसंग यार 2018 में इंडिया में तो बहुत कम ही बिका है, लेकिन अब क्या पता बिके यार, सैमसंग वाकई में अब काम ज़बरदस्त करने वाला है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी बताता हूँ कि क्या क्या खास होने वाला है इनमें, और यार मतलब सैमसंग वाकई में यार बहुत मुझे खुशी हो रही है यार, बजट में और मिड रेंज में ऐसा ऐसा करके कुछ सोचा, तो वैसे वरना तो सैमसंग फ्लैगशिप के बारे में सोचता था और यार नोट सीरीज़ और एस सीरीज़ के बारे में सोचता था, लेकिन अब मतलब वाकई में यार सैमसंग कर रहा है काम। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार क्या क्या खास होने वाला है। तो पहली जो इसकी खास चीज़ है वो सैमसंग के, पहले मैं आप लोगों को तीन एक बात बता दूंगा, इसमें आप लोगों को तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे अभी एम सीरीज़ में, जो कि 28 जनवरी को लॉन्च होगा इंडिया में, और पाकिस्तान में आ जाएगा मार्च तक ये आ जाएगा लाजमी। और अगर हम लोग बात करें तो एक आपको मिलेगा M10, एक मिलेगा M20 और एक आप लोगों को मिलेगा M30। अब M10 की प्राइस के बारे में बताऊं तो इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 25,000, M20 की जो प्राइस होगी वो होगी 35,000, 30 से लेकर 35,000, और M30 की जो प्राइस होगी वो होगी 50 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में। और अगर हम लोग देखें तो यार सैमसंग वाकई में मतलब अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो यार ये एक मिड रेंज मोबाइल है, और इस प्राइस टैग में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सैमसंग प्रोवाइड हमारे को क्या क्या कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करें डिस्प्ले की, तो यार हमारे को इसमें मिलेगी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तीनों मोबाइल्स में सुपर एमोलेड, और यार 25,000 रुपये M10 मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। M10 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करना सैमसंग, मतलब यार IPS LCD तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, सुपर एमोलेड का यार एक अलग ही मज़ा है। और साथ ही अगर हम लोग बात करें इसकी बैटरी की, अब हर मोबाइल में हमारे को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिली है, सबको पीछे छोड़ दिया है यार, Xiaomi हमारे को 4000 दे रहा था लेकिन इसने सैमसंग ने हमारे को 5000 mAh दी है।
अब आप लोग देख सकते हो यार, सैमसंग इतनी हद तक भी जा सकता है, मतलब देना चाहे तो हमारे को बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, जो कि अब कर रहा है। पहले ही कर लेना चाहिए था तो अब मतलब सही रहता, लेकिन अब बहुत मतलब सेल बढ़ाना चाहता है सैमसंग अपनी, तो इसलिए मतलब ये करना पड़ रहा है इसको। और अगर हम लोग बात करें साथ ही, तो इसमें हमारे को टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रही है, और फास्ट चार्जिंग की भी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है यार। टाइप सी पोर्ट अब तो यार 2019 में हमारे को मिलेगी, और इसमें भी हमारे को वही देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे को एक्जीनोस के प्रोसेसर मिल रहे हैं, जो कि सैमसंग के प्रोसेसर हैं। और सैमसंग मतलब सैमसंग ने गेमिंग के बारे में भी सोचा है, और हर चीज़ के बारे में। और कैमरे की बात की जाए तो यार कैमरे भी बहुत ज़बरदस्त दे रहा है सैमसंग। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सैमसंग की एम सीरीज़ सबको हिलाने वाली है यार, अब सैमसंग सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड भी बन जाएगा 2019 में, अगर एम सीरीज सही चलती रही तो। अब बजट में सैमसंग देखते हैं कि कौन से मोबाइल चलाता है, वो भी हम देख लेंगे, और आप लोगों को ये मार्च तक देखने को मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो यार आपको वीडियो पसंद आई है जो बोला है वो कर देना, और अपना ख्याल रखना यार। फिया मानुल्ला, पाकिस्तान जिंदाबाद।